आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और ये क्वेश्चंस जो है आपका सीबीएसई 2015 में आ भी गया है। आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तथा इस क्वेश्चंस को बार बार करने का प्रयास करें। हमारे वीडियो लेक्चर का पूरे लास्ट देखें। वीडियो लेक्चर के लास्ट में इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको देंगे जिसको आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल जो है हमें गिवेन है 16 मीटर। मोर देन द शॉर्टर साइड, जो उसका छोटा साइड है उससे 16 मीटर ये बड़ा है, ज़्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। तो हमें जो फील्ड का लेंथ है वो हमें बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल जो है, ये डायगोनल हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी, ये हमने ड्रॉ कर लिया। और सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट शॉर्टर साइड इक्वल टू एक्स। तो शॉर्टर साइड को हमने एक्स लेट किया। और क्वेश्चंस हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये हमें गिवेन है कि जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 16 मीटर ज़्यादा है, यानी जो बी डी है ये 16 प्लस एक्स होगा। एंड अगेन हमें गिवन है, इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन शॉर्टर, और इससे जो ये लॉन्गर साइड है ये 14 मीटर ज़्यादा है, यानी एक्स प्लस 14, और इसको भी हम एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी एक्स प्लस 16। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है कि बी डी इक्वल टू एक्स प्लस 16 एंड बी सी इक्वल टू एक्स प्लस 14। अब ये हम इस ट्रायंगल में देखेंगे कि एक राइट ट्रायंगल बन गया, और राइट ट्रायंगल में ये हमारा जो है बी डी फॉर्मूला हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार फॉर्मूला हो जाएगा। तो बी डी जो है एक्स प्लस 16 का स्क्वायर, और बी सी एक्स प्लस 14 का स्क्वायर प्लस सी डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी। इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू, इसको भी इसी फॉर्मूला तोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर। और इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 16 में 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे, टू फिफ्टी सिक्स प्लस 32 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 14 में 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 196 होता है, प्लस 28 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 256 प्लस 32 एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 196 प्लस 28x। आप इतने पहले पार्ट को नोट कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सारे पार्ट को हम यहाँ पे एक बार पहले नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 256 प्लस 32 एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। और सभी पार्ट को जब हम इस तरफ लाएंगे या इसी तरफ ले जाते हैं, चूँकि माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस 32x इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर
28x में से 32x को जब हम सब्ट्रैक कराएंगे तो 4x, और 196 में से 256 को, 256 में से 196 को जब हम सब्ट्रैक कराएंगे तो 0, 15, 6, यानी हमारे पास 60x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ये बड़ा है, जो माइनस का सिंबल है ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस 0, 60 हो जाएगा, सॉरी एक्स नहीं होगा। 196 में से 256 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60। अब इस पार्ट को हमें फैक्टर निकालना है, तो 60 4x लाना है सब्ट्रैक्ट करने में, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x, और ये हमारा माइनस 10, और यहाँ से जब हम 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 6 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 6 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी जो x का एक हमारा वैल्यू है वो माइनस हो जाएगा और एक जो वैल्यू है हमारा x इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो माइनस वैल्यू कभी हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसका जो लेंथ होगा ये माइनस में कभी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, नॉट अप्लाइड। तो x का जो वैल्यू है हमारे पास dc इक्वल टू 10 आ गया, और जो bc है bc इक्वल टू x प्लस 14, यानी 10 प्लस 14 24 आ गया। और यहाँ से हम डायगोनल भी फाइंड कर लेते हैं, BD इक्वल टू x प्लस 16, यानी 10 प्लस 16 26। इस तरीके से हमारे पास 10, 24 और 26 रिजल्ट आ गए। हमें जनरली यही दोनों पूछे गए थे, बट हम डायगोनल भी फाइंड कर लिए। आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें। प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे ही एक और क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 18 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 24 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। हमारे पास पिक्चर में हम आपको समझा भी देते हैं, ये गिवेन है कि जो रेक्टेंगल का जो शॉर्टर साइड है, तो सबसे पहले हम शॉर्टर साइड को एक्स कर लेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे ही, और इसका जो डायगोनल है ये हमें गिवेन है कि डायगोनल शॉर्टर साइड से जो है 18 मीटर मोर है, 18 मीटर यानी एक्स प्लस 18 कर लेंगे, और जो इसका लॉन्गर साइड है वो मोर देन है 24, यानी एक्स प्लस 24 ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लेस देन भी कह सकता है, आप इसको भी एक बार ट्राई कर लेंगे, मोर देन और लेस देन, या फिर मोर लेस या लेस मोर, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है। तो जहाँ पे लेस करेगा, लेस के जगह पे हम माइनस कर लेंगे और मोर के जगह पे हम लोग प्लस कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, आप इसको खुद से करने का प्रयास करें।